गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल में भी तेजी से बढ़ते जा रही है कोरोना महामारी। इसको देखते हुए बंगाल सरकार ने नई निर्देशिका जारी की है। इसमें साफ कर दिया गया है कि कोरोना के लक्षणों वाले मरीज की RT-PCR रिपोर्ट अगर नेगेटिव भी हो तब भी अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण रविवार तक बंद रहेंगे मध्य कोलकाता के चांदनी चौरंगी, कैनिंग स्ट्रीट सहित बड़ा बाजार के मार्केट, पोस्ता सहित खाद्य सामग्री वाले सभी मार्केट खुले रहेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन ने ये घोषणा की है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को फिर से बढ़ा दिया गया है। नगर विमानन महानिदेशालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। DGCO ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे बैन को 31 मई 2021 तक बढ़ाया है। देश में कोरोना के कहर के बीच दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत तमाम जरूरी दवाइयां, कालाबाजारी और लूट खसोट जारी है। इतना ही नहीं, कोरोना से मरीजों की जान बचाने वाले रेमडेसिविर दवा नकली बेची जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के कोट द्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली दवा कंपनी का भंडाफोड़ किया है। उत्तरी इसराइल में यहूदियों के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ शुक्रवार सुबह भगदड़ मचने से 44 लोगों की मौत हो गई तथा कई लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये हादसा माउंट मेरोन में लाग बाओमार के मुख्य आयोजन के दौरान हुए। ये मकबरा यहूदी समाज के पवित्र स्थलों में शुमार है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया है। वो कोरोना संक्रमित थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। संयुक्त बिहार में चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद वो जेल से बाहर निकले। वो झारखंड के टुमका जेल में अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे। देश में भले ही 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी, लेकिन दिल्ली के कई लोगों को अभी भी इंतजार करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है। ऐसे में 18 से 44 साल के उम्र के लोग 1 मई से वैक्सीन के लिए लाइन न लगाएं। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का तो वैक्सीनेशन चल ही रहा है। अब कल से 18 से 44 साल के लोगों की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। इसका बड़ा बहुत अच्छा रिस्पांस बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है देश भर में। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी, उन्होंने भरोसा दिलाया है। कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है कल या परसों, 3 लाख क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद और आती रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग खराब हो जाए, भीड़ लग जाए, अभी वो सब मत करिएगा। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है, हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जिस जिस का रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिस जिस की अपॉइंटमेंट होगी, वो लोग आइएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, सबको लगाएंगे वैक्सीन, उसकी पूरी तैयारी की हुई है, सबको वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। ये ना हो कि कल से आप लाइनों में लगे, कल से अभी वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि कल या परसों तक आ जाएगी और कंपनी के लगातार हम लोग टच में हैं और वो जल्दी आएगी। दोनों कंपनियां, दो वैक्सीन है अपने पास, एक कोविशील्ड एक कोवैक्सीन, और दोनों कंपनियों को हमने 67 लाख डोज देने के लिए हमने उनको निवेदन किया है और उनसे कहा है कि ये 67 लाख वैक्सीन अगले 3 महीनों के अंदर दोनों कंपनियां हमें उपलब्ध कराएं। उसके लिए जो भी पेमेंट होगी वो दिल्ली सरकार करने के लिए तैयार है।
दिल्ली के लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी और उनसे दोनों कंपनियों से हमने शेड्यूल मांगा है कि वो अगले 3 महीने के अंदर कब कब सप्लाई कर सकती हैं। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे पूरे प्रयास हैं कि अगले 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम टीका लगा दें, सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दें। 3 महीने का हमने टारगेट लिया है, कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। इसकी पूरी प्लानिंग भी हम लोगों ने कर ली है, जो भी इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब इस पर डिपेंड करेगा कि जो दोनों कंपनियां हैं वो कितनी जल्दी हम लोगों को वैक्सीन बना के देती हैं। अगर उन्होंने समय पे सफिशेंट मात्रा में हमें उपलब्ध कराई वैक्सीन, तो हम कोशिश करके 3 महीने में दिल्ली के लोगों को सबको वैक्सीन लगा देंगे। और हमने देखा है कि किस तरह से जिनको वैक्सीन लग जाती है वो काफ़ी सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनको दोबारा कोरोना नहीं होता, लेकिन अगर कोरोना होता है तो वो जानलेवा नहीं होता, वो सीरियस नहीं बनता। तो वो उन वो एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है ये वैक्सीन। तो एक तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और इसमें कोई ये बिल्कुल सेफ़ हैं वैक्सीन, कोई किसी तरह का ख़तरा नहीं है। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, अपने आसपास के रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सब लोगों को वैक्सीन लगाने को कहें। और दूसरा, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। अगर सभी दिल्लीवासी सहयोग करेंगे तभी हम इसको मिलके अगले 3 महीने के अंदर पूरा कर पाएंगे। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, इतनी बड़ी एक्सरसाइज को 3 महीने में कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सब मिलके करेंगे तो ज़रूर ये पूरा होगा। बस आपसे यही निवेदन है कि अगले कुछ दिनों के अंदर भीड़ मत लगाइएगा इन सेंटरों में, सबको लगाएंगे, हर व्यक्ति को लगाएंगे। और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार मिलके ये पूरा कार्यक्रम कर रही है, हम सब मिलके करेंगे तो इसमें हम सब लोगों को जरूर सफलता मिलेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस बीच प्रदेश के विदिशा में कोरोना विस्फोट हुआ। यहाँ कुंभ से लौटे 83 श्रद्धालुओं में से 60 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 1 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 22 के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इन 22 लोगों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पनकी ऑक्सीजन प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से 1 की मौत हो गई, वहीं 2 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। दादानगर औद्योगिक क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। इसमें ये सामने जो है, पीछे जो है, ये पनकी गैस प्लांट है PS गोविंद नगर का, जिसमें एक हॉस्पिटल जो है गोविंद नगर चिल्ड्रंस नाम के कोई हॉस्पिटल है, उसमें उसी का गैस भरने आया था, उसी में एक कोई सिलेंडर जो है उसका संभवतः चूँकि कुछ उसमें जो है कमज़ोर था, जो है वही विस्फोट हुआ, जिसमें एक मुरादली नाम का जो यहाँ पे कर्मचारी था कर रहे जो है मौके पे जो है बाइक के कारण डेथ हो गई है, और साथ में इनका एक पंची गैस का एक कर्मचारी है हरिओम और एक और कर्मचारी है जो घायल है, जिसमें जो घायल है वो एक उपचार करा के अपने घर पहुँच गया है, दूसरा एक अस्पताल में है, एक कंडीशन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा भारत इन दिनों जूझ रहा है। रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं हजारों लोगों की जान ये वायरस रोजाना ले रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने कोविड रिलीफ फंड में 7.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि अब महाराष्ट्र में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान वही तमाम पाबंदियां लागू रहेगी जो अब तक लागू थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस लॉकडाउन को ब्रेक द चेन का नाम दिया है। देश में ऑक्सीजन का संकट 7 से 10 दिन के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑक्सीजन के जरिए अपनों की जान बचाने के लिए लोग क्या क्या जतन नहीं कर रहे, ऐसे में एक वीडियो आगरा में सामने आया है, जिसमें PPE किट पहने एक शख्स सड़क पर घुटनों के बल बैठा है और पुलिस कर्मियों के आगे गिड़गिड़ा रहा है ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम हो सके। कोरोना वायरस की चपेट में आए पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को AIIMS ट्रामा सेंटर से छुट्टी मिल गई है। बता दें 19 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूर्व PM मनमोहन सिंह को AIIMS में भर्ती किया गया था।
भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। देश में रोजाना कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन की वकालत की है। राहुल गांधी लगातार कोरोना संकट को लेकर केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।